Good morning, very good morning to all of you. Welcome again. We have already started to learn figures of speech. बेटा इससे पहले हम total 6 types of figures of speech पढ़ चुके हैं, जो हमारा lecture 1 था, figures of speech part 1, उसमें हम पढ़े थे simile, metaphor और personification. जो part 2 था, उसमें हम पढ़े थे oxymoron, hyperbole और apostrophe. Okay? Lots of example उसके हमने देखे थे. तो आज जो हम figures of speech पढ़ने वाले हैं, उसमें भी 100% अपना attention, concentration बनाए रखना. उसमें भी मैं आपको lot of examples I am going to explain, so that the idea, the definition will be more clear. Okay? It will be clearer in your mind. और 12th तक नहीं भूलेंगे. 10th में तो नहीं भूलेंगे एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम तक, मगर आगे के स्टैंडर्ड्स में भी आपको ये यूजफुल होगी. ओके बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहली फिगर्स ऑफ स्पीच आज जो पढ़ने वाले हैं, वो है एलिट्रेशन बेटा. चलो एलिट्रेशन के बारे में आपको याद होगा, ऑलरेडी आप 9th में पढ़ चुके हो. एलिट्रेशन में क्या होता है बेटा? एलिट्रेशन में होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. चलो एलिट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं. वैसे डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आने वाली है, मगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, डेफिनेशन समझ में आता है, इट्स ओके. डोंट ट्राई टू लर्न आउट द डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल से उसकी जो मीनिंग है वो अपने दिमाग में अच्छी तरह प्रिंट कर लीजिए बेटा. एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. अभी बेटा आपको ये पता होने चाहिए कि इंग्लिश में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. ये बेटा बहुत ही बेसिक है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स. वॉवेल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, दिस आर ऑल कॉल्ड वॉवेल साउंड. एंड रेस्ट ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड. स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, कोई भी वर्ड है उसके बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट आता है और वो अगेन अगेन रिपीट होता है सेंटेंस में, तो वो होगी एलिट्रेशन. ओके, चलो एग्जांपल, ब्लो ब्लो धो विंटर विंड, ब्लो ब्लो धो विंटर विंड. नाउ टेल मी, व्हाई कैन वी से दैट दिस फिगर्स ऑफ स्पीच बिलोंग्स टू एलिट्रेशन? बिकॉज वी कैन सी दैट हियर ब्लो ब्लो साउंड बी हैज बीन रिपीटेड. ओके, that's why we can say that alliteration is used here. अभी दूसरी figures of speech भी यहाँ हो सकती है, repetition. क्यों? क्योंकि blow जो word हुआ है वो repetition हुआ है, मगर अभी alliteration याद रखो. ओके, ऐसा नहीं है कि एक sentence में एक ही figures of speech है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है. ओके, मगर आपको exam में एक ही identify करनी है. ओके, देखो explanation देख लो. Because the words winter and wind begin with the same consonant sound W, consonant. That's why we can say that this is the figures of speech alliteration. Hey ho, sing hey ho. Here you can see H, H, H or H has been repeated. So we can say that alliteration has been used here. Okay? ओके, नेक्स्ट लाइन देखते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, दो धाव विंटर वार, दो धाव विंटर वार. यहां पर आप देखो टी टी टी, टी हैज बीन रिपीटेड, सो वी कैन से दैट इट इज एलिट्रेशन. दूसरा भी बोल सकते हैं, वाटर और वार, उसमें डब्ल्यू रिपीट हुआ है कॉन्सोनेंट, वो भी कॉन्सोनेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एलिट्रेशन. ओके, नेक्स्ट पेज. ओके, चलो अभी ये प्रैक्टिस के लिए मोर एग्जांपल, जिससे एलिट्रेशन एलिट्रेशन सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स तो हमें याद रह गया. मगर ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत रखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या एसएस हो, लर्न लॉट ऑफ ड्रिलिंग एंड रिपीटेशन. दिस आर ऑल द की वर्ड्स दैट हेल्प अस टू गेट बेटर एंड बेटर एंड बेस्ट रिजल्ट. ओके, फर्स्ट वन, मार्क्स ऑफ वीकनेस एंड मार्क्स ऑफ फॉर होम. चलो अभी यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, हमें खुद क्लियर करना है क्यों एलिट्रेशन है. ओके, चलो यहाँ पर देखो, मार्क्स, मार्क्स, एम हैज बीन रिपीटेड,
देन वीकनेस इज में W और वो में W, इसीलिए ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है एलिटेशन. सेकंड वन सोल्जर्स साई रन सीन ब्लड डाउन. सोल्जर्स में एस, साई में एस, ये रिपीट हुआ है तो ये एलिटेशन. एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, यहाँ पर देखिए सी और सी रिपीट हुआ है तो ये है एलिटेशन. फोर्थ एग्जाम्पल वो बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है, पिक्टर पाइपर पिकड पैक ऑफ पिकल पेपर. ओके यू कैन सी दैट हियर साउंड टी हैज बीन रिपीटेड मेनी टाइम्स, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू एलिट्रेशन. नेक्स्ट सेंटेंस बेटा, सिंग अ सॉन्ग ऑफ सिलीनेस. एस एस एस, एस जो है वो रिपीट हुआ है, इसीलिए बेटा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पोएट ने एलिट्रेशन यूज की है. ओके नेक्स्ट वन, सिंग अ सॉन्ग ऑफ सिलीनेस. ओके हो गया, एस रिपीट हुआ है. नेक्स्ट वन द फेयर ब्रीज ब्लू, यहाँ पर देखो ब्रीज का ब्लू बी, ब्लू का बी, इसीलिए ये जो है वो एलिट्रेशन है. नेक्स्ट वन कूल काम एंड कलेक्टेड. सी हैज बीन रिपीटेड, दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू एलिट्रेशन. अंडरस्टूड बेटा, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. Footloose and fancy free. Okay, यहाँ पर देखिए कौन सा रिपीट हुआ है, फूट में कौन सा रिपीट हुआ है, एफ, और फैंसी में एफ, फ्री में एफ, इसीलिए ये जो है वो रिपीटेशन है. लायंस लीव द लैम्स अलाइव. ओके लायंस में एल रिपीट हुआ है, लीव में एल रिपीट हुआ है, लैम्स में एल रिपीट हुआ है, अलाइव में ए रिपीट हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये जो है वो रिपीटेशन, सॉरी एलिट्रेशन है. सॉरी मैंने रिपीटेशन बोल दिया, एलिट्रेशन. रिपीटेशन कब होता है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में. ओके क्लियर बेटा आइडिया आप में. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. चलो नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच हम पहुंच चुके हैं, वो है आपकी रिपीटेशन. कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन. चलो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. तो बहुत ही इजी फिगर्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक मुझे मिले सारे बच्चों रिपीटेशन तो बहुत इजी है, अगर ए एग्जाम में आएगी तो हम डेफिनेटली उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, मगर एग्जाम में वही होता है जो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है. ओके जो एक्सपेक्ट करते हैं कभी नहीं आता, ऐसा होता है 10 चैप्टर्स होते हैं तो एक चैप्टर हमने नहीं किया एग्जाम में, और भगवान से कितनी भी प्रे करे तो उसी चैप्टर में से पूछा जाएगा, इसलिए कुछ भी आपको वीक पॉइंट नहीं रखना है, सब कुछ लर्न करना है. ओके रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेसेस नॉट ओनली सर्व्स टू इम्फेसाइज द मीनिंग बट ऑफन ऑल्सो टू इंक्रीज द म्यूजिकल इफेक्ट ऑफ अ पोएम. बार बार एक ही वर्ड बोलना, ओके तो वो पोएट क्यों यूज करते हैं, सबसे पहली बात है इम्फेसाइज करने के लिए उस बात को श्योरली कुछ इम्फेसाइज करके बताने के लिए, यही ब्लो तो ब्लो को इम्फेसाइज करते हैं. और सेकंड थिंग है इंक्रीज द म्यूजिकल इफेक्ट ऑफ अ पोएम, म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए पोएम में. ओके कुछ हमारे फिल्म के भी सॉन्ग्स होते हैं जिसमें एक ही वर्ड बार बार एक ही लाइन में आता है और उसके साथ म्यूजिक भी बढ़ता रहता है, तो म्यूजिक की इफेक्ट है वो बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं रिपीटेशन. एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल है ब्लो ब्लो धाव विंटर वाइन. सबसे पहले ये वर्ड आपको डिफरेंट लगता है, धाव किसी को पता है उसका मीनिंग क्या होता है, धाव का मीनिंग होता है बेटा यू, धाव का मीनिंग क्या होता है यू. ओके ब्लो ब्लो यू विंटर विंड, तो ये जो ब्लो और ब्लो है ओके
वो है रिपीटेशन, और ये एलिट्रेशन भी है ओके, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट भी यहाँ पर रिपीट हुआ है, वर्ड भी रिपीट हुआ है, तो रिपीटेशन. एक्सप्लेनेशन, दैट इज द सेम एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू. Because the word blow is repeated to emphasize the force of the blowing rain, the words also increase the musical effect of the song. Okay, ये example भी उसमें था. एलिट्रेशन हे हो सिंग हे हो, यहाँ एच रिपीट हुआ है तो एलिट्रेशन भी है, और हे रिपीट हुआ है द सेम वर्ड रिपीटेड तो रिपीटेशन भी है. हे हो रिपीट हुआ है तो रिपीटेशन भी है. ओके, किसी को कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. अब वीडियो, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, क्योंकि आप बहुत ही रेगुलरली वीडियो अटेंड करते हो, देखते हो, मगर नीचे कमेंट बॉक्स में अभी तक बहुत स्टूडेंट्स नहीं लिखते अंडरस्टूड सर, ओके आई अंडरस्टूड. ओके, फीडबैक से हमें पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही बात है ना बेटा, हम ऐसे ही बोलते रहेंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया, तो ऐसा लिख दीजिए नीचे कि ओके सर इट्स ओके, अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल, जो भी सेंटेंस आपको सही लगे गुड लैंग्वेज में, पॉलाइट लैंग्वेज में. ओके ओके, चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं. ओके, हो गया रिपीटेशन. फ्रीज, थर्ड एग्जांपल देखिए. फ्रीज द बिटर स्काई, यहाँ पर देखिए फ्रीज तो एफ रिपीट हुआ है यहाँ पर, एफ और एफ. ओके, तो कौन सी फिगर्स ऑफ भी है, एलिट्रेशन भी है और पूरा वर्ड भी रिपीट हुआ है फ्रीज और फ्रीज, तो ये रिपीटेशन भी है. तो ये सेंटेंस में दो फिगर्स ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन भी है और एलिट्रेशन भी है. Okay, the word freeze is repeated to show the intensity of cold. Okay, cold की intensity बढ़ जाती है. Intensity मतलब उसकी तीव्रता जो होती है वो बढ़ जाती है. That's why we can say that here repetition has been used here. Marks of weakness is mark of woe. यहाँ पर देखिए mark repeat हुआ है तो ये है repetition. चलो more practice में देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, लेट मी क्लोज द वीडियो. ओके, सो लिटल दे रोज सो लिटल दे फेल. ओके बेटा, चलो मुझे बताओ क्यों ये फिगर्स ऑफ स्पीच रिपीटेशन है, क्योंकि लिटल रिपीट हुआ है, दे रिपीट हुआ है, इसीलिए वो कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन. अप अप अप, यहाँ देखिए अप अप अप, द लाइफ क्लाइंब्स अप, फोर टाइम्स रिपीट हुआ है अप वर्ड, इसीलिए ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो रिपीटेशन है. ओके, चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं. चलो बाकी है एक सेंटेंस इसमें, हे टाइडी हो टाइडी हे टाइडी, टाइडी इज हैज बीन रिपीटेड, हे इज रिपीटेड, सो हियर रिपीटेशन हैज बीन यूज्ड. फोर्थ एग्जाम्पल देखिए बेटा. ओके, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इजी है मगर इतने सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे देन वी शैल डेफिनेटली लर्न द डेफिनेशन. उसके एग्जाम तक आपको कौन सी कंडीशन है, कैसे उसे आइडेंटिफाई करना है, ये सारे एग्जाम तक आपको याद रहेंगे. अगर इसमें से आधे भी आपको समझ में आ गए तो भी उसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह याद रहेगी. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू मोर एंड मोर एग्जाम्पल. ओके, अदरवाइज मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं 3 या 4 एग्जाम्पल में ये फिनिश कर सकता हूँ. ओके, इतना सारा क्यों मैं टाइप करूँ. ओके, तो ये आपके लिए बेटा पॉजिटिवली लीजिए इसको, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट. चलो कौन से वर्ड यहाँ रिपीट हुआ है बेटा, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट. ओके, सीजलेस रिपीट हुआ है, सीजलेस.
तो ये है रिपीटेशन। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, चलो हैप्पी रिपीट हुआ है तो रिपीटेशन। वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन, वी रिपीट हुआ है, आर रिपीट हुआ है, द और मैन, फोर वर्ड्स हैव बीन रिपीटेड, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रिपीटेशन हैज बीन यूज्ड हियर। आई सो पैल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, आई सो पैल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पैल वॉरियर्स दैट पैल वेयर दे ऑल। ये पैल का मीनिंग क्या होता है बेटा, फिक्का पड़ जाना। अगर आप बीमार हो, कुछ आपको डिसीज है, तो आपकी आईज, आपका फेस पैल लगेगा। अगर बीमार नहीं हो, अगर किसी ने डांटा है, मम्मी पापा ने कुछ डांटा है, तो भी आपके फेस ऊपर वो रिफ्लेक्शन हम पढ़ सकते हैं क्लास में कि ही इज नॉट बैड, शी इज नॉट बैड, समथिंग इज नॉट गुड, ओके। तो वो होता है पैल। तो यहाँ पर पैल रिपीट हुआ है तो ये है रिपीटेशन। ओके, वेयर आई शॉट हर वाइल्ड वाइल्ड आईज, यहाँ पर देखिए वाइल्ड और वाइल्ड रिपीट हुआ है तो है रिपीटेशन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आईज, ये पूरी पोएम का, पोएम की एक लाइन है, आपके सिलेबस की है ये, आईएमपी लाइन है, ध्यान रखिए ओके, क्योंकि सिलेबस की है, दैट्स वाई ओके। यहाँ पर देखिए सम से वो रिपीट हुआ है ओके, तो इसीलिए वो है रिपीटेशन। चलो नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। पेन एग्जांपल है अभी इसमें ओके। नो डायबिटीज, नो डायबिटीज क्या है आपको पता है, डायबिटीज एक डिसीज है जिसमें शुगर बढ़ जाती है। नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक। चलो कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है बेटा, यहाँ पर नो रिपीट हुआ है, तो नो रिपीट हुआ है तो उसका मीनिंग होता है कि ये फिगर स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है रिपीटेशन ओके। चलो अभी नेक्स्ट पेज है। चलो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट और शायद हम इसे याद नहीं रखते, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबॉल, ये जो सारी याद रह जाती है, मगर ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं स्टूडेंट से इसके बारे में बात करता हूँ तो वो नहीं याद आता, भूल गए हो, दो चार स्टूडेंट्स को ही याद होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप ध्यान रखिए कि टॉटोलॉजी में क्या है, लेट अस लर्न द डेफिनेशन। टॉटोलॉजी उसमें सर्टेन ओके या सर्टेन आइडियाज आर रिपीटेड, certain ideas are repeated which do not add to the meaning, okay? उससे meaning में कुछ बढ़ोतरी नहीं होती, वही meaning देता है, मगर same idea, same meaning poet या writer हमें दो word में बताए। Example से आपको clear में समझ में आएगा बेटा। In this figure of speech, two words have one same meaning. Examples देखिए, example, sign of the fields and dirt. फील्ड, और अगर एक अकेला फील्ड लिखा होगा तो भी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं था, अकेला डर्ट लिखा होगा तो भी सेम मीनिंग है, तो भी पोएट ने, राइटर ने यहाँ एक ही मीनिंग को दो वर्ड में लिखा है। फील्ड का मीनिंग होता है कचरा, डर्ट का मीनिंग होता है कचरा, तो ये है टॉटोलॉजी ओके। मीनिंग इज सेम, वर्ड्स आर डिफरेंट, टॉटोलॉजी में क्या याद रखना है बोलिए, मीनिंग इज द सेम, वर्ड्स आर डिफरेंट, रिपीट कीजिए, मीनिंग्स आर द सेम बट वर्ड्स आर द डिफरेंट ओके। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है देखिए, फील्ड डर्ट आर सिनोनिम, फील्ड एंड डर्ट आर सिनोनिम, अंडरस्टूड। विद द सीयर्स एंड प्रोफेट्स दे फॉलोड हिम, With the seers and prophets, they followed him. यहां पर seers और prophets दोनों के meaning same है बेटा। एक मैं आपको बहुत ही important बात बताता हूं, ध्यान रखिए, कई बार exam में होता है कि हमें उसका translation ही नहीं पता हो, सही बात है ना, translation ही नहीं पता हो कि ये इसका meaning क्या है, then how shall we identify the figures of speech? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी वोकैबुलरी को एनरिच करो। आप फर्स्ट लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हो ओके,
कुछ स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में, अभी मैंने टेक्स्ट बुक पढ़ाई आपको, एक लेसन पढ़ाया पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री, तो उसके मैंने व्यूज देखे। अभी आप सोचोगे कि सर आपकी बात सही है, देखो जो लोग पार्ट टू देखते हैं उनको पार्ट थ्री भी देखना चाहिए, तो भी पार्ट वन के व्यूज 100 जितने ज्यादा है और पार्ट टू के उससे थोड़े कम है, पार्ट थ्री के ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ही 5 या 10 मिनट तक टेक्स्ट बुक का वीडियो देख लेते हैं फिर रख देते हैं। चलो जनरल स्टूडेंट क्या देखते कहते हैं कि सर हम टेक्स्ट बुक में जो ट्रांसलेशन हम समझ लेंगे, स्टोरी की समरी समझ लेंगे, देन वी वुड बी एबल टू राइट एनी आंसर। सही बात है 100%, मगर आपकी लैंग्वेज रीच नहीं होगी उसका क्या, आपकी लैंग्वेज वीक रह जाएगी उसका क्या सॉल्यूशन। ओके, इसी के लिए टेक्स्ट बुक है। अभी आपको ये सीयर्स और प्रॉफिट्स का मीनिंग नहीं पता है, ये सीयर्स और प्रॉफिट्स का मीनिंग नहीं पता है तो उसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी लैंग्वेज रीच नहीं है अभी तक। ओके, जो सीयर्स का मीनिंग बता रहे हो, अभी आपने ये लॉकडाउन में दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत आती थी अगर देखी हो तो, रामायण में जो वाल्मीकि ऋषि थे वो जो जिन्होंने रामायण लिखी, ओके, तो जब लवकुश राम के राज्य में आते हैं तो बताते हैं कि वाल्मीकि ने तो सारी रामायण लिख दी है क्योंकि उन्हें तो पता है क्या होने वाला है आगे। ओके, मगर हम आपको अभी तक ही कहानी सुनाएंगे कि अभी तक क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है उन्हें लिख दिया है मगर हमें नहीं बताया। तो जिन्हें अ पर्सन हु नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर इज कॉल्ड अ सीयर और प्रोफेट। जो आगे क्या होने वाला है जिसे पता है, ये जो जानता है उसे बोलते हैं सीयर्स और प्रोफेट। ओके, अभी हमारे जमाने में तो ऐसा है, रामायण की जो एज थी तब थे ऐसे ऋषि महात्मा जो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। ओके, तो साधु महात्मा संत ये मीनिंग होता है सीयर और प्रॉफिट्स का। विद द सीयर्स और प्रॉफिट्स दे फॉलोड हिम, तो ये सीयर्स और प्रॉफिट्स सेम मीनिंग है मगर पोएट ने दो वर्ड यूज किए हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द पोएट हैज यूज्ड हियर टॉटोलॉजी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। The fairy went remote and far away. चलो बेटा remote word सुना है आपने, कई बार मैं क्लास में पूछता हूँ बेटा what is the meaning of remote? बहुत ईजी है बेटा, remote control होता है ना टीवी का, उसका क्या काम क्या है? अगर टीवी को remote touch करते तभी काम करता है remote? No, दूर से काम करता है। That means remote का meaning दूर से control करने वाला, remote control का meaning। तो remote का मतलब far. तो रिमोट एंड फार अवे बोथ आर द सेम मीनिंग, दिस वर्ड्स हैव सेम मीनिंग, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हियर द पोएट हैज यूज्ड टोटल सेम मीनिंग्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। ओके, और अपोजिट मीनिंग्स को इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनिम्स। ओके, अंडरस्टूड बेटा? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। All bright and glittering in the smokeless air. यहाँ पर देखिए bright लिखा है, यहाँ पर देखिए glittering लिखा है। बेटा दोनों का meaning same है, bright और glittering. Okay, synonyms है, तो ये tautology है। The latest dream I ever dream. There is unnecessary repetition of the word dream. सेम मीनिंग है दोनों का, तो हम बोलते हैं यहाँ पर टॉटोलॉजी यूज की गई है। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ओके, फॉर प्रैक्टिस, आई सजन हियर, नेक्स्ट सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए, आई सजन हियर अलोन एंड पैली लॉयटरिंग। ओके, चलो सजन का मीनिंग होता है टू स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम, कहीं कुछ जगह पर हम जाते हैं तो कुछ देर के लिए वहां हम रहते हैं तो उससे बोलते हैं सजन। ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है। अलोन का मीनिंग होता है अकेला, पैली का मीनिंग भी यहाँ अकेले की तरह, उस तरह का वो मीनिंग है। तो ये अलोन एंड पैली बोथ हैव नॉट एग्जैक्टली 100% सिमिलर मीनिंग बट नियरली सिमिलर मीनिंग, तो इसे बोलते हैं हम टॉटोलॉजी। ओके,
दूसरा सेंटेंस प्रैक्टिस का, ब्लिट्सम एंड चीरी। यहां पर ब्लिट्सम और चीरी दोनों का मीनिंग सेम है। ब्लिट्सम और चीरी ये जो दोनों वर्ड्स है वो दोनों का मीनिंग होता है ऑप्टिमिस्टिक और हैप्पी। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड वाला, जो हमारी जो पॉजिटिव एटीट्यूड, कुछ भी बात हम पॉजिटिवली लेते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लिट्सम और चीरी। ओके, विथ लिप्स एंड बाउंस। यहाँ पर लिप्स और बाउंस दोनों रिपीट हुए हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है जंप करना, मगर तो भी पोएट ने दो वर्ड उसके लिए यूज किए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पोएट ने टॉटोलॉजी यूज की है। यूजुअल एक्ट एंड पेन, अभी ये एक्ट नहीं पता होगा शायद आपको, बहुत इजी है। देखो अभी आपको सिर में कुछ दुखता है तो आप क्या बोलेंगे, सर हेडेक है, तो हेडेक का स्पेलिंग क्या होता है, एच ई ए डी ए सी एच ई ए, हेड मतलब सिर और एक मतलब पेन, एक का मीनिंग क्या होता है पेन, तो दोनों सेम वर्ड है बेटा, सेम वर्ड है, तो यहाँ पर कौन सी फिगर सब चीज बोलिए। ओके टॉटोलॉजी, अवर प्रोग्रेस इज प्रोग्रेसिंग। यहाँ पर देखिए प्रोग्रेस और प्रोग्रेसिंग दोनों रिपीट हुआ है, प्रोग्रेस और प्रोग्रेसिंग। ओके, तो ये है टॉटोलॉजी। रिपीटेशन क्यों इसे नहीं बोल सकते, रिपीटेशन में तो क्या होता है सेम वर्ड्स होना चाहिए, यहाँ पर प्रोग्रेस है तो यहाँ पर प्रोग्रेस ही होना चाहिए। ओके, रिपीटेशन नहीं बोल देंगे उसको। ओके, मगर मीनिंग सेम है दोनों का, तो टॉटोलॉजी। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड दोनों सिमिलर मीनिंग है, तो ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है आपकी कौन सी फिगर स्पीच बोलेंगे उसको, टॉटोलॉजी। ओके, दोस बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्ट वाली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, आयरनी, एपिग्राम, पैराडॉक्स, ये सारी हम पढ़ेंगे एक एक करके। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। एंटीथेसिस, नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है हमारे बेटा एंटीथेसिस। ओके, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। एंटीथेसिस की डेफिनेशन है कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया शार्पन्ड बाय द, चलो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एंटीथेसिस की। एंटीथेसिस मीन्स कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया sharpened by the use of opposite or noticeably different meaning. Okay, contrast होता है words के meaning में, examples में आपको ज्यादा समझ में आएगा। When two words with opposite ideas are joined by a conjunction, it will always be antithesis. The worship that the heart lifts up and the heavens reject not. यहाँ पर lift करना मतलब offer करना, accept करना, okay? और रिजेक्ट करना मतलब रिफ्यूज कर देना, तो लिफ्ट और रिजेक्ट यहाँ पर शार्प कॉन्ट्रास्ट है, तो उसको हम बोलेंगे एंटीथेसिस, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन। यहाँ पर देखिए हॉलो मैन और स्टफ्ड मैन कौन से वर्ड से, दोनों हॉलो और स्टफ्ड दोनों ऑपोजिट है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि एंटीथेसिस पोएट ने यहाँ पर यूज की है। द वर्ड्स हॉलो एंड स्टफ्ड विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग आर यूज्ड टू ब्रिंग आउट अ शार्प कॉन्ट्रास्ट, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट हियर द पोएट हैज यूज्ड एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मीन्स ऑपोजिट आइडियाज। ओके, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस देखिए। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। यहाँ पर देखिए मिडनाइट लिखा है और हैप्पी बाय डे, तो मिडनाइट और डे ये जो दोनों वर्ड्स है दोनों ऑपोजिट है, एज द डे एंड नाइट। ओके, आर द यूज्ड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द पोएट हैज यूज्ड हियर एंटीथेसिस। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेक्ट, यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है, मेन बात ही बताता हूँ मैं आपको। ओके, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ऑपोजिट वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर ऑपोजिट आइडिया से, इसीलिए यहाँ पर एंटीथेसिस है। एक्सप्लेनेशन, बिकॉज द वर्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर इन मीनिंग आर यूज्ड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं, डार्कनेस और सनशाइन दहा है एलिमेंट, बिकॉज द वर्ड्स डार्कनेस एंड सनशाइन. अभी देखिए, डार्कनेस और दूसरा वर्ड है सनशाइन, दोनों के मीनिंग ऑपोजिट है. ओके, इसीलिए ये दोनों जो वर्ड्स है वो ऑपोजिट है, इसीलिए यहाँ पर एंटीथेसिस यूज की गई है. हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंटीथेसिस है. ओके, ओल्ड वैल्यूज आर गोइंग, न्यू वैल्यूज आर कमिंग, फर्स्ट सेंटेंस. तो ओल्ड और न्यू दोनों ऑपोजिट है, ऑपोजिट है इसीलिए, और दूसरा भी ऑपोजिट मीनिंग है. देखो, गोइंग और कमिंग, तो यहां पर है एंटीथेसिस. ओके, चलो मोर प्रैक्टिस के लिए देखते हैं. फर्स्ट, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. चलो अभी आप बताइए, यहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी है, क्यों ये एंटीथेसिस है? क्योंकि टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन. तो ह्यूमन और डिवाइन दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, इसीलिए यहां पर ह्यूमन मतलब आदमी, इंसान, और डिवाइन मतलब दैवी तत्व, रिलेटेड टू गॉड. तो ये एंटीथेसिस है. मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन. ओके, यहाँ पर मैनी और फ्यू दोनों अपोजिट है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंटीथेसिस है. मैन प्रपोजिस, गॉड डिस्पोजिस. प्रपोज और डिस्पोज दोनों वर्ड, प्रपोज करना मतलब किसी बात के लिए दरखास्त करना. ओके, तो उसको डिस्पोज करना मतलब रिफ्यूज कर दिए हैं. एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब, हम जो भगवान से मांगते हैं हमें कभी नहीं मिलता, उसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, मगर अभी मैं आपको नहीं सुना सकता. ओके, जो हम नहीं मांगते वो भगवान हमें देते हैं. स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड. ये तो आप अपने लिए याद रख लीजिए कि बोलना अगर सिल्वर है तो साइलेंस रहना गोल्ड है. कुछ लोगों को क्या होती है, हैबिट होती है क्लास में, कुछ डाउट्स नहीं है तो भी बस ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है. डाउट्स है तो पूछिए, नहीं है तो क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए. स्पीच अगर सिल्वर है तो साइलेंस रहना गोल्ड है. तो मगर यहाँ पर अगर फिगर्स ऑफ स्पीच देखें तो यहाँ पर सिल्वर और गोल्ड दोनों ऑपोजिट आइडिया से, दैट्स वेयर वी कैन से दैट पोएट हैज यूज्ड हियर, द राइटर हैज यूज्ड हियर एंटीथेसिस. माइटी हार्ट हेल्ड इन स्लेंडर चेन, या माइटी और स्लेंडर ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है. माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग, स्प्लेंडर मतलब पतला, वीक. ओके ओके बेटा, रिंग आउट द डार्कनेस ऑफ द लैंड, रिंग इन द क्रिस्ट दैट इज टू बी. ओके, आउट और इन, कई बार एग्जाम में होता है सेंटेंस डिफिकल्ट, सेंटेंस समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, मगर ये तो समझ में आया ना आपको कि इन और आउट दोनों ऑपोजिट है, तो एंटीथेसिस. गिव एवरी मैन थाई ईयर बट फ्यू थाई वॉइस. ओके, गिव एवरी मैन, यहाँ एवरी मतलब बहुत लोग और फ्यू मतलब बहुत कम, ये दोनों ऑपोजिट है. और इस थाई जो है वो ओल्ड इंग्लिश का मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है योर. इस सेंटेंस का मीनिंग ये होता है, गिव एवरी मैन थाई ईयर. थाई ईयर मतलब आपके जो ईयर है वो हर एक इंसान को दीजिए, मतलब काट के नहीं दे देना है, अपने ईयर दीजिए, मतलब हर एक इंसान की बात आप सुनिए. कोई भी अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप अनसुना मत कीजिए, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, उसकी बात आप सुनिए. बट फ्यू थाई वॉइस, मगर अपना वॉइस सबको मत दो. आपको लगता है कि ये लोग मेरी बात समझ रहे, उसी के साथ अपने दिल की बात बताओ. फ्यू थाई वॉइस, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड और डिवाइडेड, ये जो दोनों वर्ड्स है वो है, यूनाइटेड और डिवाइडेड वो ऑपोजिट है. अगर हम संगठित रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अगर हम एक दूसरे के साथ फाइटिंग करेंगे, लड़ेंगे, तो हम गिर जाएंगे. यूनाइटेड और डिवाइडेड वो दोनों ऑपोजिट है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट पोएट हैज यूज्ड हियर, द राइटर हैज यूज्ड हियर एंटीथेसिस. फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड. यहाँ पर फूल्स और एंजल्स ये दोनों ऑपोजिट वर्ड्स है. लेट मी बी रीच एंड वेरी, ए रीच और वेरी
ये दोनों ऑपोजिट वर्ड है, ये ऑपोजिट वर्ड है तो ए हम बोल सकते हैं कि कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस। ओके चलो इतना बहुत हुआ आज, यस और नो? ओके बहुत टाइम हो गया है और यहां तक स्टॉप करते हैं, दूसरी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके आपको लगता है मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको समझाए तो आपको ज्यादा समझ में आया, कौन सी बात बेटर लगती है आपको, मोर एग्जांपल्स या कम एग्जांपल्स? ओके थोड़ी मोर एग्जांपल्स में कई बार ऐसा आई एम एग्री विथ यू कि एक ही बात बार बार आए तो कुछ हमें थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। वैसे तो हम बेटा हम हॉस्पिटल में जाए डॉक्टर एडमिट करे तो दवाई भी हमें अच्छी नहीं लगती, तो भी दवाई लेनी होती है, अदरवाइज ओके हम क्योर नहीं होंगे। तो ये भी ऐसा है, ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, और मेरे लिए तो ये हार्ड वर्क ही है, आपके लिए ज्यादा एग्जांपल्स सर्च करना, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टाइप करना, मटेरियल रेडी करना, ये रिकॉर्ड करना, आपको देना। ओके दो एग्जांपल में समझाऊं तो 15 मिनट में भी खत्म हो सकता है, तो टेक इट पॉजिटिवली, ये आपके अच्छे के लिए है बेटा। ये वीडियो दूसरी बार भी देखिए, रिपीट करिए तो ज्यादा दिमाग में ड्रिलिंग होगा और आपको याद रहेगा। ओके थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे।